तुम्हें गंगा जो है मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छा इंसान थे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज आपने आपके गांव लोगों जीने में दो चीज़ों का इनॉग्रेशन किया, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ों से गांव वालों? खास करके मेरा इनॉग्रेशन आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये हमारा होमवर मार्केट साइड रोडवे मार्केट साइड है, तो उसको हम इनोग्रेट किया है कि बस्ती वाला जो बुजुर्ग जो सेल्स लेडी लोग है मेन मार्केट आलो नहीं जा पाता है, तो यहाँ अगर बनाया गया तो ये हाईवे तो है, ट्रांस हाईवे कनेक्ट करता है, तो यहाँ बैठे बैठे आपका प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, तो आप यहाँ फ्रेश भी मिलेगा और कम रेट में भी मिलेगा और बस्ती वाला डेट वे अर्न भी करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ मेरा MLA लेट से हम यहाँ बना दिया। बस्ती वाला भी बहुत खुश है और ये कम्युनिटी डेरे को आज इनोग्रेट उद्घाटन किया है, तो बस्ती में तो हमारा एज ए ट्राइबल कल्चर एक कम्युनिटी हॉल होना बहुत जरूरी है, इसीलिए एक कम्युनिटी हॉल बनाया गया है आज। जी सर, आने वाले कुछ ही दिनों से स्टेट में पूरे राज्य में चुनावी गतिविधि जो है तेज होने वाली है, रफ्तार पकड़ने वाली है, किस तरह की उम्मीदें हैं सर, क्या कुछ तैयारियां अभी से हो रही है, क्या कुछ हलचल है सर? आप देखिए तो आप आलो का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देखिए, मैं ये आशा करता हूँ कि आलो का जो भी वोटर्स है डेनिजन है समझ जाना चाहिए कि मैं आलो को कितना उपलब्धि में या तरक्की की ओर जा रहा है। आप ट्रांस हाईवे रोड देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट देखिए, हॉस्पिटल देखिए, पानी देखिए, इंटरनल रोड और सेक्टर रोड्स, एवरीथिंग में 3-4 साल का अंदर में पूरा कर दिया है। मेरा वायदा इलेक्शन का जो वायदा पूरा किया, अभी मैं हाल ही में या पार्किंग सेट भी बना रहा हूँ, पार्किंग लॉट बना रहा है, और मेरा ख्याल में आलो में जो भी होना चाहिए, जो नेसेसिटी जो चीज़ है, मैं सब आलोवासी के लिए मैं तैयार करके रखा हुआ है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि हाल ही में कुछ ही दिनों से देख रहे हैं कि गालो स्टूडेंट यूनियन, खास करके छात्र संगठन है, वेस्ट सियांग जिले के तीनों गालो लेजिस्लेटर से नाखुश नज़र आ रहे हैं। बेसिकली उनका ये कहना है कि उन लोगों ने अपना फ़र्ज नहीं निभाया ले तुम्ही गंगा के केस में, सरकार को सरकार के आवाज़ उठा नहीं रहे, प्रेशर नहीं दे रहे और असेंबली में भी आवाज़ नहीं उठाया, इस तरह का मतलब उनका ये कहना है कि फ़र्ज नहीं निभाया। आप सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे ये आप बता सके लोगों की आपने फ़र्ज निभाया है? ये देखिए इस टोटली रॉन्ग। जो लेट तुम्ही गंगा जो है मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छा इंसान थे, उसको इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, तो जब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नोबडी कैन इंटरफियर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द लॉ विल टेक देयर ओन कोर्स, द इन्वेस्टिगेशन अपना से जाएंगे, लेकिन हम ये निगरानी रख रहा है कि यहाँ में कोई आउटसाइडर इन्फ्लुएंस करके पेयर इन्वेस्टिगेशन करने ना दे, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि पेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमने तो देखा है कि हमारा एडवाइज़र करवक सर भी बहुत अच्छे से निगरानी रख रहा है, मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ, तो ये जो FSL जो रिपोर्ट आएंगे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होंगे, ये देयर सो मेनी थिंग्स आर देयर इनसाइड इन्वेस्टिगेशन, जो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोलता है और उसका कोई FSL में कोई अगर पाया जाएगा तो फिंगरप्रिंट्स, ये सब देख के इन्वेस्टिगेशन अपना से वो मैंने कंक्लूजन में लाता है कि ना मर्डर किया गया है ना हैंग किया गया है, तो इसीलिए ये तो इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट, इन्हें मर्डर किया है या हैंग किया है बोलने में, मेरा बोलना तो ये कि हम लोग बराबर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।